सब्सक्राइब कीजिए शेरगानी चैनल को और बिल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम शेरगानी है और आप देख रहे हैं शेरगानी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप के ज़रिए आप किसी भी फ्रेंड्स या दोस्त का लोकेशन किस तरह पता कर सकते हैं, या आपका लोकेशन और आपका एड्रेस किस तरह मालूम कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप भाई ने करना ये है कि व्हाट्सएप पर जाना है। व्हाट्सएप पर जाने के बाद जिस फ्रेंड्स को आप अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं या आपको अपना लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, तो उस सिंपली उस फ्रेंड का चैट जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, अच्छा फ्रेंड्स, तो आप भाइयों ने उसका चैट जब ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आप भाइयों को नज़र आ रहा है, किसी फ्रेंड के यहाँ पर भी होगा, तीन टिक के निशान जहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन मेरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद छह ऑप्शन मेरे पास आ गए हैं। तो छह ऑप्शन में ये भी ऑप्शन है इधर कि आप देख सकते हैं लोकेशन, अगर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे लोकेशन के ज़रिए तो आप उसको गाइड करेंगे कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और अगर आपको कोई मिलने आता है तो वो बहुत ही ईजी और बहुत आसान तरीके से वो आपको ट्रेस कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा GPS ऑफ है तो इस वजह से नहीं हो रहा है। अब मैं इसको अपना लोकेशन सेंड कर पाऊँगा। ये देखे, मैंने लोकेशन के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो उसको दिखाई देगा और वो आसानी से इसको ट्रेस कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो यूट्यूब में लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।